बोल समाधिनवारे साहिब की जय। सतगुरु इशारों में कश्तियां पार लगा देते हैं, उस पे एक मिसाल। एक समय की बात है, बड़े बाबा एक फैमिली को भारत यात्रा पे ले गए अपने साथ। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो सेवक जिनको ऐसे अवसर मिलते हैं। यात्रा में उस बार काफ़ी टाइम लग गया। फैमिली वाले छुट्टी लेने की कोशिश करते पर हर बार बाबा मना करते। उनकी बेटी के पेपर होने वाले थे। इतने समय यात्रा में गुजरने के कारण पढ़ाई भी नहीं हो पाई थी उसकी। उसने साईं बाबा को अर्ज़ किया, बाबा हमने इतने टाइम से कुछ पढ़ा ही नहीं, आप छुट्टी भी नहीं दे रहे हैं, हम पेपर कैसे दे पाएंगे? पढ़ाई के बगैर तो पेपर बहुत मुश्किल है। बाबा ने उनको उसके पेपर के एक या दो दिन पहले छुट्टी दी। जैसे ही वो बाबा से मिलने गई तो बाबा ने उसको एक पेन दी और फरमाया, बाबा रूप भजन साहिब कंदा पास थी वेंदो। पर इंसान तो इंसान है, उसके मन में फिर भी बेचैनी कि पढ़े बगैर कैसे दूँ पेपर्स। उसने वचन माना और दूसरे दिन पेपर देने गई। जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आया तो उसे एक भी क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं आता था। वो बहुत परेशान हो गई। बाबा तो दिलों के दिलदार है, जो अर्ज परमात्मा के आगे रखे वो सत्य ना हो ऐसा तो नामुमकिन है। उसने जैसे ही लिखना शुरू किया उसे ऐसा लगने लगा कि कोई उसका हाथ पकड़कर लिखवा रहा है। कुछ वक्त गुजरा, रिजल्ट आया तो सब देखकर इतना हैरान हो गए कि इतना अच्छा रिजल्ट बगैर पढ़े आ कैसे सकता है। उन्होंने बाबा को भी जब बताया तो बाबा मन ही मन मुस्कुराते रहे। इस जबान को ताकत नहीं कि वो उनकी महिमा बयान कर पाए। वो ऐसे मालिक हैं कि इशारों ही इशारों में कश्तियां पार लगा देते हैं। बेअंत है जिसकी महिमा, अपार है जिसकी लीला, वाणी भी जिसकी बयान न कर पाए, ऐसे हैं हमारे सतगुरु साईं। जय समाधा।